देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3, ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित थे, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता क्या पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। बारह अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज मयंक ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल करें। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, आप कह रहे थे लाइन ड्रॉ होगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट की बात होती है। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है। और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की, हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने।